30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर गाजियाबाद में एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम रखा गया है बापू के लिए। दरअसल गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने बापू के लिए नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना में डीएम द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारियों को एक डायरी दी है, जिस डायरी पर लिखा है बापू के लिए। डायरी देने का उद्देश्य ये है कि अधिकारियों के द्वारा रोजाना किए जा रहे अच्छे कार्यों में से किसी एक कार्य को प्रतिदिन डायरी के पेज पर लिखेंगे। इसके साथ ही महीने के आखिर में सभी अधिकारियों से उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की लिस्ट मांगी जाएगी, और जिन अधिकारियों ने सबसे ज्यादा अच्छे कार्य किए होंगे उन कार्यों में से 30 अच्छे कार्यों को एक पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। उस पत्रिका का नाम भी बापू के लिए पत्रिका रखा गया है। वहीं डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य है सभी अधिकारियों को अच्छे कार्य करने के लिए जागरूक करना, साथ ही महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलना है। गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से बापू के लिए नाम से इस योजना का शुभारंभ किया गया है, और इसमें हम लोग सरकारी सिस्टम में प्रतिदिन अच्छा कार्य करते हैं, उस अच्छे कार्य में से जो सर्वोत्कृष्ट कार्य है, वो अपेक्षा है कि हमारे जनपद के सभी विभागाध्यक्ष एक सर्वोत्कृष्ट कार्य को दिन भर में जो किए गए हैं उसको इस डायरी में लिपिबद्ध करें। इसके अलावा उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनसे भी वो इस तरह के अच्छे कामों की एक डायरी तैयार कराएं। ये जो पूरे जनपद में महीने भर में जो अच्छे सर्वोत्कृष्ट कार्य होंगे वो जिला स्तर पर संदर्भित किए जाएंगे, और जिला स्तर पर गठित एक समिति 30 ऐसे सर्वोत्कृष्ट कार्यों को संकलित करके बापू के लिए पत्रिका नाम से एक हम पत्रिका का भी प्रकाशन करेंगे, उसमें उसका प्रकाशन कराया जाएगा। गौरतलब है कि आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 72वां शहादत दिवस है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या कर दी थी। इस दिन को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।